अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ। और आज भी हमारा दिल कर रहा था कि ज़रा फूड पैंडा से कुछ खाना मंगवाया जाए। अगर आपका दिल करे नॉट टू कुक समडे या आप अचानक मेहमान आ जाएँ, तो वाई डोंट यू गो टू द फूड पैंडा ऐप एंड ट्राई समथिंग आउट। तो यहाँ मेरे पास है फूड पैंडा ऐप, आप भी अपने फ़ोन्स पे कर दीजिएगा डाउनलोड, ठीक है? ये आपने प्रेस किया, इट्स वेरी सिंपल टू यूज़ एज़ वेल। ओके, नाउ मुझे पिज्ज़ा खाना है, सो ये आप क्लिक करेंगे, जो भी डील आपको चाहिए होगी उसको भी आप क्लिक करेंगे, एंड देन यू ऐड टू कार्ट, ठीक है? ये आपने कर दिया एंड ये फिर थोड़ी देर बाद हमारे स्टूडियो में डिलीवर हो जाएगा। जब भी आपको दिल करे कि यू नो यू डोंट फील लाइक कुकिंग, कुकिंग का मूड नहीं है, तो आप कोई बात नहीं है, आप डाउनलोड कर दीजिएगा फूड पैंडा का ऐप और एंजॉय करिएगा। अमेजिंग डिस्काउंट्स फ्रॉम देयर ऐप एज वेल, 1000+ डील्स हैं, 70% डिस्काउंट्स हैं, वेरियस कॉम्बो डील्स हैं, फ्री डिलीवरी है, और अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप स्पेंड कर सकते हैं मोर टाइम रादर देन इन द किचन। और अगर अचानक गेस्ट आ जाएँ तो डोंट टेक एनी टेंशन, फूड पैंडा का ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा अपने फ़ोन पे और आपको भी बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। ओके जी, आज के क्या रेसिपीज़ हैं? हम लोबिया से ब्लैक आइड पीज़, यानी कि उससे एक कड़ी बनाना सिखाएंगे। ये रहा द ब्लैक आइड पीज़ जो मैंने रात भर भिगो के रख दिए थे। आप चाहें तो चुटकी भर सोडा डाल सकते हैं, वरना सिर्फ पानी में भिगो के रख दीजिएगा और फिर आप इसको बॉयल कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने इसको बॉयल कर दिया, आई वोंट कुक इट साथ, बॉयल करके मोस्ट दाल्स आप अगर बॉयल करके रखेंगे फिर पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। सो क्या हम करेंगे ये हम बाद में करेंगे, पहले हमें कुकीज़ बनाने हैं, वो भी कौन से, मिंट चॉकलेट कुकीज़ बनाने हैं। कुकीज़ चॉकलेट के बनाएंगे और फिलिंग में हम मिंट एसेंस डालेंगे, तो वो हम करेंगे। अगर हम कुकीज़ जल्दी से बना लेंगे, वो ठंडे हो जाएंगे, तो फिर बीच में हम दो कुकीज़ को सैंडविच कर सकेंगे यूजिंग द मिंट फिलिंग, ठीक है? कुछ लोगों को मिंट पसंद नहीं होता है, नहीं हो पसंद तो नहीं डालिए, ऐसे ही प्लेन चॉकलेट कुकीज़ बना लीजिएगा विथ प्लेन फ्रॉस्टिंग इनसाइड या फिलिंग इनसाइड। तो मेरे पास यहाँ है 1/3 कप कोको पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा, 1/4 कप इसमें मैदा जाएगा यानी 1 1/4 कप्स, अनसॉल्टेड मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन 1/2 कप यहाँ रखा है, फिर 2/3 कप ब्राउन शुगर जाएगी, 1/4 कप कैस्टर शुगर है, पिसी हुई सफ़ेद चीनी, वेनिला एसेंस है 1 टीस्पून और 1 अदद अंडा जाएगा। ये सब कुछ जाएगा, डो बनेगा, कुकीज़ हम बना के रख देंगे ऑन आर सिलिकॉन मैट्स इन माई ट्रेज हियर। स्मार्ट ड्राई आयन है आज एनिक्स की तरफ से, किस किस को जीतना है जल्दी से 888-1 पे आप मुझे बताएंगे कुकीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए, सो नाउ एवरीथिंग इज़ रेडी। ये स्कूप भी है, छोटे कुकीज़ बनाएंगे बिकॉज ये फैल जाते हैं, बहुत बड़े नहीं हमें चाहिए, छोटे बनाएंगे आज और उनको फिर हम सैंडविच कर देंगे। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी मिक्सड इन एंड पुट टू बेक। कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक, मैदा, मक्खन, ब्राउन शुगर, पिसी हुई सफ़ेद चीनी, वेनिला एसेंस और अंडा। फ्रिज में से निकाल के रखिएगा फीका अनसॉल्टेड मक्खन, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं हो और अचानक आपको बनाने पड़े कुकीज़ या कोई भी चीज़ जिसमें मक्खन को पिघलाना हो, तो बस 10 से 15 सेकंड माइक्रो कर दीजिएगा, प्लीज़ उसको ज़्यादा पिघलाइएगा नहीं। वी वॉन्ट सॉफ्टन बटर, हाँ, वी डोंट वॉन्ट मेल्टेड बटर। और इस जो भी डो आप बनाएं, अगर उस डो को आप फ्रिज में ठंडा करेंगे या क्लिंग लगा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बेलेंगे, फिर काटेंगे, उस तरह करेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। डो नीड्स टाइम टू रेस्ट, राइस नहीं कुछ करना है हमें, नीड्स टाइम टू रेस्ट, नीड्स टाइम टू सेटल, ठीक है? सो एवरीथिंग मिक्स कर देंगे हम, ब्राउन शुगर और पिसी हुई चीनी ला लेते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। सफ़ेद चीनी, फिर ब्राउन शुगर, फिर हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे, ठीक है? और वेनिला एसेंस भी मैं डाल देती हूँ,
आप इसमें भी मिंट एसेंस डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं. सो नमक को मैं इधर रख देती हूँ फॉर आई फॉरगेट कि मैंने डाला हुआ है. और ये जो बेकिंग सोडा है उसको मैदे में डाल देते हैं. कोको पाउडर बाद में डालेंगे. ठीक है, सब कुछ मिक्स करते हैं. पहले तो ब्राउन शुगर मिक्स करते हैं. लम्स रह जाते हैं, अच्छी तरह मिक्स करिएगा. अंडा डाल दीजिएगा एक उसमें, और ये मैदा और बेकिंग सोडा. फिर उसके बाद इसमें कोको पाउडर. ठीक है, अब हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करेंगे. इसके डो के बॉल्स बना के बेक करने रखेंगे, फिर निकालेंगे, जाली पे रखेंगे, ठंडा करेंगे, और उसके बाद आइसिंग, इसका फिलिंग रादर. दो कुकीज़ को फिल करेंगे. ठीक है, नहीं फिल करने हैं दो कुकीज़ को, तो इस फ्रॉस्टिंग को आप रख दीजिए किसी पाइपिंग बैग में रख दीजिए, और फिर पाइप ऊपर से कर दीजिएगा. और उसमें फिर पाइपिंग बैग में ऑब्वियसली आप चॉकलेट चिप्स नहीं डाल सकेंगे. ये तो मैं फिलिंग में अंदर चॉकलेट चिप्स डालूंगी. मैं आज तीन किस्म के चॉकलेट चिप्स लेके आई हूँ. एक बड़े वाले डार्क हैं, एक छोटे वाले वाइट हैं, और एक बहुत ही छोटे वाले मिनी डार्क वाले हैं. कुछ ना कुछ हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए. डो को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा. और साइड से इस तरह ब्रिंग इट इन, ताकि साइडों पे कोई भी चीज़ चिपकी हुई हो. हाथ से भी आप गूंथ सकते हैं थोड़ा सा. बस दिस इज रेडी. बिस्किट के डो में कोई लिक्विड नहीं डालिएगा. ठीक है जी, एक तिहाई कप कोको पाउडर था, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा था, एक चौथाई टीस्पून नमक था, एक और एक चौथाई कप यानी सवा कप मैदा था, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, दो तिहाई कप ब्राउन शुगर, एक चौथाई कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, एक टीस्पून वेनिला एसेंस, एक अदद अंडा. ये बेसिक चॉकलेट कुकी का डो है आपका. इसको आपने रख देना है टू बेक. ये क्या है, इस तरह मैं ज़रा प्रेस डाउन कर रही हूँ कि अच्छी तरह डो फॉर्म हो जाए. हाथ से भी कर सकते हैं. और अब मैं इसको रखना शुरू कर दूंगी ऑन माय सिलिकॉन मैट्स, बिकॉज आई वांट कि आज ये डो जल्दी से बेक हो, तो ठंडा हो, तो फिर हम फ्रॉस्ट कर सकेंगे. तो इसीलिए यहाँ से हटा लेती हूँ सारी चीज़ें, और आपके सामने हम बेक करने रख देते हैं फ़ौरन, ताकि ठंडे हों. फिर छोटे स्कूप्स करिएगा, बहुत बड़े बड़े नहीं करिएगा. एक ही साइज के करिएगा, बिकॉज अगर आप सैंडविच करेंगे ना, तो फिर वो साथ ऐसे जुड़ेंगे, तो छोटे ही होने चाहिए. क्रम्बली डो नहीं होगा जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे ना, मक्खन दोबारा जम जाएगा. ये हाथ में इस तरह क्रम्बली आपको लग रहा है अभी, सो डोंट वरी, आपको ठंडा करना है. ठीक है, जब तक मैं ये सारे कुकीज़ बना रही हूँ और बेक करने रखती हूँ, ब्रेक का वक्त भी हो चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी. वेलकम बैक. मैं बस यहाँ मेकिंग द लास्ट बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट्स छोटे छोटे, और फिर उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सैंडविच कर देंगे विद सम मिंट फिलिंग. ठीक है, मिंट फिलिंग अभी आपके सामने बनाती हूँ. बस ये मैं रख दूँ एक और, द लास्ट वन. डो ठंडा हो जाएगा ना, तो आराम से मक्खन दोबारा सेट हो जाएगा.
ठंडा डो आप आराम से वो कर भी सकते हो, स्कूप आउट या बेल के आपने उसको किसी शेप में काटना हो, कुछ भी. लेकिन ये फिल्ड वाले कुकीज़ जो होते हैं ना, उनको शेप वेप नहीं दीजिएगा, राउंड ही रखिएगा, ठीक है? ऐसे स्कूप से कर दीजिएगा. डार्क चॉकलेट कुकीज़ बनेंगे. चलिए अवन की तरफ. किसको जीतना है स्मार्ट ड्राई आयरन एनेक्स की तरफ से, जल्दी जल्दी 888 पे आप मुझे बताएंगे. क्या सवाल पूछा था, देखें, भूल गई. क्या कुकीज के नाम पूछे थे? जरनक को बादाम खाने की सख्त जरूरत है. जरनक भूल गई दो मिनट पहले जो सवाल किया था. देखें देखें, फ्राइडे तक सब भूल गई. अच्छा जी, ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम अब शुरू करेंगे विद द फिलिंग. ठीक है, फिलिंग फॉर आर कुकीज. अब उसमें क्या है जी, उसमें है अनसॉल्टेड मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन आधा कप. उसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे. उसमें हम आइसिंग शुगर एक और एक चौथाई कप डालेंगे. पेपरमिंट एसेंस क्वार्टर टू हाफ टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना ऐसे लगेगा आप टूथपेस्ट खा रहे हैं. ठीक है, और एक से दो चम्मच क्रीम जाएगा इसमें, और चॉकलेट चिप्स बाद में हम फोल्ड इन करेंगे. सो लेट्स मिक्स अप एवरीथिंग टुगेदर. ये मक्खन है फीका अनसॉल्टेड आधा कप, कोको पाउडर, चॉकलेट, इन सब चीज़ों से काम करो ना तो बिल्कुल हाथ डर्टी लगते हैं फिर स्क्रीन पे. हैव टू कीप वॉशिंग योर हैंड्स. ओके, अब इसमें हम डालेंगे आइसिंग शुगर. पहले थोड़ी डाल के अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसको. कौन है? किरण है कराची से जी. हेलो. हेलो जाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया जी. आप सुनाइए, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और बहुत अच्छा शो करते हो, खासतौर पे बेकिंग कुकीज मास्टर. थैंक यू. क्वीन बोलिए. अरे भाई, क्वीन नाराज हो जाएंगी मुझे क्वीन बुलाया तो. लेकिन आप ये कहेंगे क्वीन तो काम ही नहीं करती. अच्छा जी, फरमाइए. अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी जी. आपने आलमंड कुकीज बनाए थे जी, और हेजलनट कुकीज बनाए थे, नो बेक कुकीज बनाए हैं, चॉकलेट चिप कुकीज बनाई है, उसके अलावा क्या कहते हैं हेजल, क्या कहते हैं मल्टी नट कुकीज भी बनाए हैं आपने. बस बस ठीक है. और चॉकलेट ब्राउनी कुकीज, पता नहीं क्या 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 क्या. और दूसरे में आपसे एक फरमाइश है जी, मुझे ना एक बिस्किट्स होते हैं, कुकीज है जो बिल्कुल मुंह में जाके भूल जाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन गुड्डा, हम लोग तो गुड्डा बिस्किट कहते हैं उनको. मेल्ट इन द माउथ कुकीज उसको कहते हैं अंग्रेजी में. हाँ, वो बिल्कुल घुल जाए, बहुत मजे के होते हैं, आप वो बनाना सिखाएं. ओके, पहले आप मुझे खिलाएं ना, मुझे क्या पता कौन सी बिस्किट है वो. आए हाय, तो फिर मैं आपको भेज दूंगी. नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ. ठीक है, ओके ओके, मैं आपको भेज दूंगी. नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, बनाएंगे बनाएंगे. ठीक है, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच. चलिए, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन बीट किया, उसमें मैंने अभी एक कप आइसिंग शुगर डाली है. चुटकी भर हमने नमक इसमें डालना है, थोड़ा सा ही डालिएगा, नमकीन कुछ नहीं करना है. ये नमक चला गया. अब इसमें हम पेपरमिंट एसेंस डाल देंगे, क्वार्टर टू हाफ टी स्पून ही था इसमें. ओके, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे क्रीम. अब याद रहे कि क्रीम डाल के प्लीज चेक करिएगा, स्प्रेडेबल होना चाहिए. हमें ऐसा नहीं चाहिए कि कुकीज के बीच में वो जाए फिलिंग तो वो ऐसे बह रही हो. इतना ही क्रीम डालिएगा कि बस स्मूथ हो, टू स्प्रेड इनफ, वो बस. ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इतना ही डालती हूँ, एक आध चम्मच. जस्ट मिक्स अप एवरीथिंग टुगेदर. अब इसको आप ग्रीन टिंट भी कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट. आप इसमें थोड़ा सा ग्रीन रंग भी डाल सकते हैं टू शो के ये पेपरमिंट है. ठीक है, अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे. इफ़ वी नीड धैन, अदरवाइज वी वोंट ऐड एनी मोर क्रीम. अब मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे चाहिए थोड़ा सा आइसिंग शुगर. ठीक है, आप एक से सवा कप लिखिएगा. और इसमें हमने फोल्ड इन कर देने हैं, एक तरह मिक्स करती हूँ बिकॉज लंप रह गया एक.
ये चॉकलेट चिप्स. ओके जी, बस डन. थोड़ा सा और आइसिंग शुगर, क्रीम नहीं ज्यादा डालिएगा प्लीज, ये याद रखिएगा. ये हमारी फ्रॉस्टिंग या फिलिंग रेडी हो गई. बाज़ वक्त आइसिंग्स होते हैं, फ्रॉस्टिंग्स होते हैं, उसमें मुंह में ना चीनी आती है, तो चीनी आपने अच्छी तरह मिक्स नहीं की होगी, ये याद रखिएगा. अच्छी तरह बीट करते हैं चीनी को, ठीक है. नॉर्मली पेपरमिंट की कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें हम ग्रीन कलर डालते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है. हर दफ़ा अलग अलग कुछ बनाया करें, तो डालना है डालिएगा, बिकॉज एवरीथिंग ग्रीन मिंटी इज एसोसिएटेड विथ. खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पेपरमिंट एसेंस ये बहुत स्ट्रांग है, प्लीज़ थोड़ा सा डालिएगा. मिलता है यहाँ, मिलता है मिंट एसेंस, पेपरमिंट एसेंस मिल जाता है. सदर में एक दुकान है, वैसे एक एम्प्रेस मार्केट में भी होती थी वो दुकान, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गई है, सदर चली गई है आफ्टर एम्प्रेस मार्केट वाज टॉर्न डाउन. तो जो कुछ दुकानें अभी भी अंदर हैं, बट दिस पर्टिकुलर दुकान इज़ एट लकी स्टार. उसमें हर किस्म का आपको चॉकलेट और हर किस्म का आपको एसेंस मिल जाएगा. अच्छा जी, ये हमारा फ्रॉस्टिंग रेडी हो गया, यहाँ रख देते हैं इसको और ये सब चीज़ें उठा लेते हैं. आइसिंग भी रेडी हो गया है, ब्रेक की तरफ तो नहीं चलना है. अच्छा, ब्रेक की तरफ चलने से पहले आई कैन सी दैट इन माय स्टूडियो इज़ फूड पैंडाज रिप्रेजेंटेटिव. जो पिज्ज़ा ऑर्डर किया था वो आ चुका है, सो आइए प्लीज़ यहाँ हमें भी दे दीजिए पिज्ज़ा. सलामकुम, आपको जब कुकिंग करने का दिल नहीं चाहे या फ्रेंड्स अचानक आ जाएं, मेहमान आ जाएं, सो यू गॉट दिस फूड पैंडा ऐप अपने फ़ोन्स पे डाउनलोड कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. और ये सारी चीज़ें हम आराम से घर पे मंगा के खा सकते हैं. थैंक यू, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. तो इसी तरह यू हैव एन ऑप्शन कि अगर आपको कुछ घर में मंगाना है अचानक से, तो थैंक यू. Lots and lots of food today. चलिए, thank you, बहुत शुक्रिया. Okay जी, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ भी. अगर आपने जीतना है आयन इनिक्स की तरफ से, तो जल्दी से 888 पे आप हमें मैसेज करेंगे, कुकीज़ के नाम लिखेंगे, ठीक है. मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा. विल टेक अ ब्रेक. जी वेलकम बैक. अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे विथ आवर नेक्स्ट रेसिपी जो कि है लोबिया करी. अच्छा हाँ, हरा रंग मुझे मिल गया, तो मिंट का हो कुछ और मैं हरा रंग नहीं डालूं, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. जस्ट अ लिटिल ड्रॉप, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप से ज़्यादा आ गया, बट एक ड्रॉप. एंड मिक्स मिक्स मिक्स, ठीक है. सटल कलर करिएगा, एकदम ग्रीन ग्रीन नहीं कर दीजिएगा. ये देखें, ये अच्छा सा कलर आ गया, ठीक है. अब इसको हम सैंडविच करेंगे. कुकीज़ आर नॉट डन येट, मैंने चेक की थी. कुकीज़ आपको दिखाते हैं बिफोर वी स्टार्ट आ लोबिया कड़ी. ये देखें, जल्दी से देखें, इतने छोटे छोटे किए थे, फिर भी देखें कितने बड़े बड़े फैल जाते हैं. तेल गरम हो जाए, प्याज,
ओके, लोबिया कड़ी के लिए मैंने आपको कहा था कि एक कप कच्चे लोबिया मैंने लिए थे, ब्लैक आइड पीज, ठीक है. इनको आप टिन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास थे तो घर में मैंने भिगो के रख दिए थे रात भर पानी में. चुटकी भर सोडा डालिएगा इफ़ यू वॉन्ट, अदरवाइज नहीं. फिर मैंने साफ़ पानी में दो तीन दफ़ा धोए सुबह में और प्रेशर कुक कर दिया 5 से 7 मिनट, दैट्स इट. मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया. ये देखें, ये कच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन देखें इस तरह होने चाहिए, ठीक है, एकदम मशी नहीं हो जाए. बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो एकदम मशी हो जाएंगे. अदरक और लहसुन चॉप करके डालेंगे, इसमें गुड़ डालेंगे, एंड में साबुत वो दालचीनी की स्टिक डालेंगे, बहुत सारी, इतनी सारी नहीं डालेंगे, ठीक है. सिनेमन यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, साबुत जीरा है, नमक है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं और धनिया है, और 2 टमाटरों को पीस लिया था. टमाटो पेस्ट हो वो डालें, केचप थोड़ा कलर के लिए डालें, लेमन जूस एंड में जाएगा. सो दैट्स दैट. बस कुकीज़ याद दिलाइएगा प्लीज़, बातों बातों में मैं कहीं कुकीज़ को ओवर बेक नहीं कर दूँ. कच्ची भी ना रहें, अच्छी सी बेक हों. निकालिएगा बिल्कुल जाली पे, ठंडा करिएगा एक आध घंटा आप लोग, और फिर आप उसको सैंडविच कर दीजिएगा विथ दिस लवली ग्रीन फिलिंग, मिंटी फिलिंग, ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करूँ, ये मुझे बस करना है. गुड़ एंड में मैं हमेशा दाल में डालती हूँ, कोई सा भी दाल, आप कोई सी भी आप दाल बनाएं उसमें गुड़ डालेंगे ना तो उसका एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा. सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट. आमना है पेशावर से, उनसे बात करते हैं. अदरक लहसुन भी साथ में डाल देते हैं. जी हेलो, अस्सलाम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया. आपको भी, फरमाइए. जी बस वो बहुत अच्छी है आप बना, और आज जो आपने ये कुकीज बना रही है ना, ये मिंट वाली, मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है. मैं ट्राई करूंगी, पतीले में ट्राई करूंगी, क्योंकि मेरे पास तो वो आने ही है ना, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी मैंने पहले ही बनाई थी कुछ कुकीज, तो वो मैंने पतीले में ट्राई की थी, बहुत अच्छे बने थे. और आपने जो कप केक बनाए थे पिछली बार, वो भी मैंने बनाए पिछले वीक में, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे. मैंने छोटे छोटे बनाए थे, यकीन करें बहुत अच्छे लगे ना. वेरी गुड, बहुत अच्छा. इसी तरह ट्राई करते रहिएगा, बनाते रहिएगा. आपके सवाल के जनाब में जवाब देती हूँ. बनाना कुकीज, आलमंड कुकीज, स्पिनेट कुकीज, व्हाइट चॉकलेट कुकीज, ब्राउन चॉकलेट कुकीज और वायलेंट कुकीज. थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको कामयाबी दे, खुश रहें, आबाद रहें मसाले चैनल वालों के साथ. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. अभी पेशावर कभी आएंगे. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज. नीचे की ट्रे को ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर जाली पे निकालेंगे, ठीक है, ओवर बेक नहीं हो जाए. अब प्याज, अदरक और लहसुन सॉटे हो गया, अब आप इसमें क्या डालेंगे, सारे मसाले जाएंगे. सो लाल मिर्चों का पाउडर है, साबुत जीरा है, थोड़ा सा मुझे इसमें आज तेल बहुत कम लग रहा है, बहुत थोड़ा. वैसे भी मैं तेल इस्तेमाल करती हूँ, लोग कहते हैं हेल्दी खाना बनाना सिखाएं, तो मैं वैसे ही उनको कह देती हूँ कि मेरे खानों में 1-2 चमचे तेल से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं. यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ ऑयल इन योर फूड एनीवेज. इस नॉनस्टिक पतीलों में ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ज़ीरा डाला हमने, लाल मिर्चों का पाउडर डाला, और हमने इसमें धनिया पाउडर डाला, ठीक है. दालचीनी के स्टिक्स 1-2 डाल दीजिएगा, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, 1 या 2 छोटे स्टिक्स डाल दीजिएगा. फिर हम इसमें गरम मसाला पाउडर और हल्दी डालेंगे, घर का गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जितनी चीज़ें आप घर में पीस सकें. देयर आर नो एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स ना उसमें. फिर अच्छा, अब हम इसमें नमक डालेंगे, बिकॉज जब मैंने लोबिया बॉईल किया था नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था. हरी मिर्चें, धनिया, लेमन जूस, गुड़, और ये थोड़ा सा इसको पकाएंगे. टमाटरों को पीस तो लिए थे, लेकिन पकाना भी तो है ना ज़रूरी. मसाले और टमाटर थोड़े से पकेंगे, फिर उसमें हम लोबिया शामिल करेंगे. बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा. अच्छा, कुकीज़ को हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रे को भी निकाल देते हैं, और फिर किसी इस तरह के चम्मच से हम इन पे रखना यहाँ शुरू कर देते हैं, ठीक है. सो दूसरी ट्रे भी निकाल देंगे अभी, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट के हार्ड हो जाएं. देखिए इस तरह का क्रैक नहीं होगा डो अगर आप उसको ठंडा करेंगे. ये
ये जो सिलिकॉन की मैट है ये देखिए कितनी दफ़ा मैं रीयूज़ करती रहती हूँ. बस धोइए और रीयूज़ करिए, फ्लैट सुखा दीजिए. इसको भी हम उठाते हैं और जाली पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए. जाली पे रखना बहुत ज़रूरी है वरना बिस्किट सॉगी हो जाते हैं. और गरम गरम बिस्किट्स को बीच में से सैंडविच नहीं करिएगा वरना पता नहीं बिल्कुल ही बह जाएगा सारा कुछ. मसाला हमारा हो गया है, टमाटर हमारे हो रहे हैं, साथ साथ आई वांट के मसालों के साथ लोबिया भी चला जाए अंदर बिकॉज फिर लोबिया अलग से बॉयल नहीं लगे. ठीक है, अब आपने मसालों के साथ टमाटर के साथ अदरक लहसुन प्याज के साथ लोबिया डाल दिया तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है एंड लेट दिस कुक. अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढाँक दूंगी ताकि ये होता रहेगा. शेफ़ कुकवेयर हम यूज़ करते हैं, पाकिस्तान की पहली कंपनी है प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी. और आपको पता है हम सब शेफ्स अपने शोज़ पे शेफ़ कुकवेयर इस्तेमाल करते हैं, पॉट्स एंड पैंस. और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का उनका मटीरियल है जो नॉन स्टिक वेयर है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, फूड ग्रेड मटीरियल है. जब तक मैं इनको यहाँ ठंडे करने रख देती हूँ बिस्किट्स को कुकीज़ को, आप लोग लीजिए ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी. और अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से ये गिफ्ट तो जल्दी जल्दी मुझे 8881 पे आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर दीजिए और बताइए कुकीज़ के नाम. मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शेयर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, SMS करिएगा 8881 पे. चलिए जी ब्रेक पर चलते हैं. जी वेलकम बैक. ये देखें यहाँ हमने अब हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी हैं, 1 से 2 जितने भी, याद रहे कि हमने लाल मिर्चों का पाउडर भी डाला है. गुड़ भी इसमें जाएगा, ठीक है, गुड़ डाल दीजिएगा, साफ़ करके देख के डालिएगा एंड लेट द गुड़ डिज़ोल्व. अब कड़ी है ना तो इसको बहुत सुखा नहीं दीजिएगा लोबिया को, ठीक है. अब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे. कुकीज़ हमारी ठंडी हो रही हैं, फ्रिज में मैंने रख दी. आप लोग प्लीज़ वायर रैक पे रखिएगा, एक आध घंटा ठंडा करिएगा फिर. मैं अब यहाँ टाइम नहीं होता है तो मैं इसलिए फ़ौरन से पेशतर इसको निकाल के अवन में से जाली पे रख के फ्रिज में रख देती हूँ. व्हाट टू डू ना, थोड़े से ठंडे होंगे तो हम इसको कर सकेंगे फ्रॉस्ट और फिल. ये बस थोड़ा सा अब हम हल्की आँच पे इसको सिमर कर देते हैं और हम काफ़ी सारा धनिया अंदर डालते हैं, थोड़ा सा धनिया ऊपर के लिए रखते हैं एंड देन वील जस्ट पुट दिस ऑन लो ताकि अच्छी तरह जो मसाले हैं वो सब कुछ अंदर जज्ब हो जाए लोबिया में. डन, ठीक है जी. आप भी इसी तरह बनाइएगा, रेसिपी ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा. वीकेंड आ रहा है हमारा तो यहाँ तो प्लीज़ ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या क्या आपने ट्राई किया. अगला हफ्ता नहीं मिस करिएगा प्लीज़. आप लोगों की फरमाइश पे ही मैंने आइसक्रीम वीक रखा हुआ है, उसमें बहुत सारी मज़ेदार सी डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी. वही मैंगो आइसक्रीम की फरमाइश नहीं करिएगा, मैंगो सीजन में नहीं है. स्ट्रॉबेरी की भी फरमाइश नहीं करिएगा बिकॉज स्ट्रॉबेरीज और मैंगो जब मैं आइसक्रीम में डालती हूँ तो हमेशा फ्रेश होते हैं. ये बहुत मुख्तलिफ से आइसक्रीम्स हैं जो आप साल भर बना सकते हैं. कुछ जगहों में अभी भी इट्स क्वाइट हॉट, कराची में तो बहुत ही गर्मी है इस दफ़ा. अब देखते हैं कराची में सर्दी कब आती है. सर्दी आएगी तो नवंबर की एंड में हम सूप वीक करेंगे, दैट आई हैव प्रॉमिस्ड यू ऑलरेडी. मगर अभी हम कर रहे हैं आइसक्रीम वीक. ज़रूर देखिएगा पीर से जुमा हमारा शो लाइव होता है दोपहर में 1 से 2 और रात में 10:30 से 11:30 आप हमें देख सकते हैं, ठीक है. और रेसिपी सारी अप टू डेट हैं, अपलोडेड हैं हमारे पेज पे. फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको अलग अलग एल्बम्स मिल जाएंगी जहाँ आप देख सकते हैं अंग्रेज़ी में भी हैं उर्दू में भी हैं हमारी रेसिपीज़. सो आलोबिया कड़ी इज़ रेडी, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा. दालें भी तो मैं बनाना आपको सिखाती हूँ ताकि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप हमारे स्टाइल से भी दाल बनाना सिखाएं. वैसे तो सब शोज़ में आप देखते हैं दाल सब्ज़ी पकड़ी होती है लेकिन आई ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. चलिए मैं आपको बता दूँ मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डाली थी. लोबिया था, बॉयल करके रखिएगा. टमाटोज़ को प्यूरे कर दीजिएगा यानी कि ब्लेंड कर दीजिएगा. एक चॉप प्याज थी, ज़ीरा साबुत था, अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ था, ठीक है. हरी मिर्चियाँ धनिया चॉप करके डाला है हमने और दालचीनी के स्टिक्स हैं 1-2. और आप इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर डालेंगे. इसके अलावा आप गुड़ डालेंगे इसमें, नमक गया था और लेमन जूस. बहुत ही आसान रेसिपी है लोबिया कड़ी की, ट्राई करिएगा. बॉयल चावल के साथ या ज़ीरा राइस के साथ या ब्राउन चावल के साथ आप इसको सर्व करिएगा या आप कड़क डबल रोटी के साथ भी कर सकते हैं, क्यों नहीं. मुझे तो कड़क डबल रोटी बहुत पसंद है.
अच्छा जी, और मिंट चॉकलेट कुकीज़ के लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मैंने एक तिहाई कप कोको पाउडर लिया था, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा था, एक चौथाई टीस्पून नमक था, उसमें मैंने सवा कप मैदा डाला था, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, दो तिहाई कप ब्राउन शुगर थी, एक चौथाई कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, एक अदद अंडा था और एक टीस्पून वेनिला एसेंस। सब कुछ को मिक्स करके डो बना के आप थोड़ी देर ठंडा करिएगा। टाइम नहीं हो मेरी तरह तो हाथ से फिर छोटे छोटे बॉल्स बना के बेक करने रख दीजिएगा, छोटे बनाइएगा, देखें कितने फैले हैं ये, ठीक है। उसके बाद उनको बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करिएगा। फिर आपने इसको फिलिंग के लिए आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन और मज़ीद लिया, एक चौथाई टीस्पून नमक डाला, एक और एक चौथाई कप आपने इसमें आइसिंग शुगर डाली, पेपरमिंट एसेंस या मिंट एसेंस आपको जो भी मिल जाए एक चौथाई से आधा टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, और इससे में एक से दो चम्मच सिर्फ आपने क्रीम डालना है। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स डाल दीजिएगा, हल्का सा हरा रंग मुझे मिला तो मैंने वो भी डाल दिया, और हम दो बिस्किट्स को सैंडविच करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ करेंगे एक छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद, सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज। अभी भी वक्त है, अगर आपको जीतना है एनिक्स की तरफ से आयरन इस्त्री किसको चाहिए अपने घर के लिए, जल्दी से 888 पे मैसेज कर दीजिए, कुकीज़ के नाम बताइए, मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर जरूर लिखिएगा। ब्रेक। लोबिया करी, अज्जा, सफ़ेद लोबिया एक कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड प्याज एक अदद, जीरा एक चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक एक इंच का टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन तीन जवे, चॉप्ड हरी मिर्चें दो अदद, दार चीनी एक इंच का टुकड़ा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला एक चाय का चमचा, गुड़ एक चाय का चमचा, नींबू का रस एक चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, तेल हसबे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, सफ़ेद लोबिया को रात भर पानी में भिगो दें, उसके बाद अगले दिन इसे धोकर प्रेशर कुकर में पका लें, फिर तेल गर्म करके जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, कद्दूकश अदरक, लहसुन प्याज और हरी मिर्चें डालकर फ्राई करें। अब इसमें टमाटो प्यूरी शामिल करके सौते करें कि तेल अलग हो जाए, फिर इसमें हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, गुड़ और पके लोबिया थोड़े पानी के साथ डालकर मिक्स करें, अब आँच धीमी करके पकाएं, आखिर में नींबू का रस और चॉप्ड धनिया डालकर सर्व करें। मिंट चॉकलेट कुकीज़, कुकीज़ के अज्जा, कोको पाउडर एक तिहाई कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, नमक एक चौथाई चाय का चमचा, मैदा एक एक चौथाई कप, फीका मक्खन आधा कप, ब्राउन शुगर दो तिहाई कप, कस्टर्ड शुगर एक चौथाई कप, वनीला एसेंस एक चाय का चमचा, अंडा एक अदद। फिलिंग के लिए फीका मक्खन आधा कप, नमक एक चौथाई चाय का चमचा, आइसिंग शुगर एक एक चौथाई कप, पेपरमिंट एसेंस एक चौथाई से आधा चाय का चमचा, क्रीम एक से दो खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स आधा कप। तरकीब, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और मैदा मिक्स कर लें, फिर मक्खन, कास्टर्ड शुगर और ब्राउन शुगर बीट करें, अब इसमें अंडा और वनीला एसेंस मिला दें, फिर खुश्क अज्जा डालकर मिक्स करें, उसके बाद डो से कुकी शीट पर कुकीज स्कूप करते जाएं, फिर इन्हें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 से 9 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। फिलिंग बनाने के लिए मक्खन अच्छी तरह बीट करें, फिर इसमें नमक, आइसिंग शुगर, पेपरमिंट एसेंस और एक खाने का चम्मच क्रीम डालकर मिक्स करें, ज़रूरत हो तो मज़ीद क्रीम मिला लें, उसके बाद चॉकलेट चिप्स डालकर मिक्स करें, फिर आधी कुकीज़ को फ्रॉस्ट कर लें और आधी कुकीज़ के साथ सैंडविच करके सर्व करें। लोबिया करी, अज्जा, सफ़ेद लोबिया एक कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, चॉप्ड प्याज एक अदद, जीरा एक चाय का चमचा, कद्दूकश अदरक एक इंच का टुकड़ा, चॉप्ड लहसुन तीन जवे, चॉप्ड हरी मिर्चें दो अदद, दार चीनी एक इंच का टुकड़ा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला एक चाय का चमचा, गुड़ एक चाय का चमचा, नींबू का रस एक चाय का चमचा, नमक हसबे जायका, तेल हसबे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक, देखें लोबिया करी इज़ रेडी, इसको निकाल दिया था मैंने डिश में, और ये कुकीज़ भी रेडी हैं। अब देखें किस तरह आप करेंगे, एक पे आप लगाएंगे फ्रॉस्टिंग, दूसरे के साथ आप इसको इस तरह बंद कर देंगे। दीज आर वेरी बिग कुकीज़, आप छोटे भी बना सकते हैं और मज़ीद भी छोटे बना सकते हैं, ठीक है। और एक बना के आपको दिखा दूँ, बस जस्ट पैलेट नाइफ लीजिए, उससे इस तरह आप। अच्छा जी, हमारे शो के बाद 2:30 बजे आप रिदा का शो देखिएगा, तड़का।
उसमें आज क्या बना रही हैं वो स्पेशल? ओ हो, पाए बना रही हैं, नली बोंग पाए। अच्छा, फिर और क्या बना रही हैं? तिल वाले नान भी हैं। अब इस बेचारे का क्या करेंगे, इसका तो कोई पार्टनर नहीं है ना। वैसे करते हैं, इसको मैं अच्छी तरह ऐसे स्मियर करके फिर खुद ही खा लूंगी, बिकॉज इसके साथ बेचारा अकेला रह जाएगा ना, इसको क्या करेंगे फिर। तो देखना मत भूलिएगा रिदा का शो भी तड़का, जो 2:30 बजे शुरू होगा। ठीक है, चलिए जी, मुझे तो आप दीजिए इजाजत, मेरा तो वीकेंड अभी से शुरू हो गया है। आज शाम को अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 7-8 बजे के बाद मैं फूड फिएस्टा में बीच लग्जरी पे पाई जाऊंगी। ठीक है, और वहाँ एक मेला टाइप होगा और बहुत अच्छा सारा खाना माना होगा और बहुत सारे स्टॉल्स होंगे, तो आप ज़रूर आइएगा। टिकट्स भी बहुत ही नॉमिनल हैं, एंड यू कैन लुक अप देयर पेज, देख लीजिएगा फूड फिएस्टा बीच लग्जरी आज शाम को। और कल समीना जलील आपको मिलेंगी वहाँ। ठीक है जी, सैटरडे को। आज की विनर कौन है जी? कौन? मरियम है टैक्सिला से, स्मार्ट ड्राई आयरन इनके घर गई है, मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी। तो चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज को इजाज़त, हैव अ लवली वीकेंड, बहुत सारा अच्छा खाना बनाइएगा और खाते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे, फूड डायरीज नेक्स्ट वीक, भूलिएगा नहीं, 1 बजे लाइव, आइसक्रीम वीक। ठीक है जी, दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।